अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि मेरी ड्यूटी क्या बन चुकी है। तो अभी देख लें आप, धूप में इतनी तेज़ी नहीं है लेकिन बहुत तेज़ मुझे तो लग रही है अभी, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे बहुत तेज़ लग रही है। लेकिन अभी सुबह सुबह का टाइम है तो धूप इतना तेज़ नहीं है, इसलिए दोस्तों मैंने रात में ये गमले रख दिए थे ऊपर। और अब से मेरी ड्यूटी यही है कि मैंने सबसे पहले आगे इन्हें नीचे उतारना है और उसके बाद इनको पानी देना है थोड़ी देर बाद, क्योंकि एकदम धूप से डायरेक्ट नहीं दे सकते। खैर, तो वो ड्यूटी अब हमारी लगा दी गई है दोस्तों, इनको पानी देना, ये सब करना। खैर, बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों में दोस्तों, आप लोग भी करा करें, हेल्दी एक्टिविटी होती है ये। बाकी धूप बहुत शदीद है यार, मुझे ऐसी तेज़ लग रही है अभी, यकीन जानो भले सुबह की हो लेकिन बहुत तेज़ है दोस्तों। हमारे जो कबूतर हैं उनको मैंने दाना पानी कर दिया है, वो माशाल्लाह से सेट हैं। इनके लिए यार यहाँ पे बस जल्द से जल्द यहाँ पे एक वो बांधू मैं लाके पाल वगैरह, तो इंशाल्लाह फिर जल्दी से मुर्गियों वगैरह का सेटअप भी यहाँ पे कर देते हैं और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा दोस्तों यहाँ जब छत पे हो जाएगा, एक अलग ही मज़ा होता है। खैर चलें, पहले नीचे चलते हैं, उन लोगों को डालता हूँ तोतो वगैरह को, फिर मुर्गी वगैरह को भी खोलना है, बहुत काम है आज दोस्तों, आ जाएँ। दोस्तों मेरी हालत देख के आप लोगों को पता लग ही रहा होगा कि कितनी गर्मी है, यकीन जाने मेरी बहुत सांस फूल गया सिर्फ इतने से काम में, इतना हब्स का प्रेशर है। खैर, हमारे जो प्यारे प्यारे बर्ड्स हैं वो और तोते मियाँ, इनकी भी आज सफाई करूँगा यार, देखो इनकी ट्रे कितनी गंदी हो रही है। तो इनकी मैं ये करता तो डेली बेसिस पे हूँ लेकिन अभी कल छूट गई थी इनकी, तो देखें एक दिन में कितना गंदा हो जाता है। बाकी दोस्तों मेरी एक चीज़ पर नज़र पड़ी है जो आप लोगों ने भी देखी हो, ये देखें इसके अंदर एक कीड़ा चल रहा है, ये रहा कीड़ा, नहीं इसको हम बोलते हैं, वो नाम मेरे को दोस्तों याद नहीं आ रहा क्या होता है, आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या है। तो ये देखें कैसे चल रहा है ये, मैं मुर्गे मुर्गी को भी बोलूँगी खा लेंगे, उन्हीं का खाना बनता है ये, तो देख लेंगे। बाकी इसको कुछ बोलते हैं, मुझे नाम जहन में नहीं आ रहा। तो चलें खैर, इनका दाना पानी डालते हैं जल्दी से, उनकी ट्रे बाहर लेके चल के धोते हैं। और फिर एक और जो आने वाला सरप्राइज भाई गया है मेरे लेने, तो भाई आएंगे देखते हैं क्या लेकर आते हैं, चलें उनका भी वेट करना है तो पहले ये कर देते हैं। चलो आ जाओ भाई। लो भाई दोस्तों, इनका भी दाना पानी चारों जोड़ों का कर दिया है और इनका भी कर दिया है। इनको तो पानी डालो ना, तो पानी डालते ही नहा लेते हैं ये देखो, हाँ पानी डालते, देखिए गीला हो रहा है पूरा, फौरन नहाया ही है। और इससे ज़्यादा ना अभी यकीन मानो इसको नहाते हुए देखते हो ना, मुझे दोस्तों इतनी हो रही कि मैंने बोला यार मैं जाके नहा लूँ, क्योंकि बिल्कुल पसीने में हो रहा हूँ और दिल चाह रहा है कि बस नहाऊँ जाके, लेकिन नहीं पहले इनका दाना पानी सब होता है। और भाई तुम्हें सिर्फ पराठा मिलेगा, हाँ ये बता दूँ, चाय भाई की फरमाइश मत करा करो, इनको सुबह तक सिर्फ पराठा देते हैं, क्योंकि चाय जो है वो बड़े पीते हैं छोटे नहीं पीते हैं, तो इस वजह से इनको पराठा मिलेगा। जल्दी से पराठा खाओ अपना, फिर तुम्हारे को हरी मिर्ची और फ्रूट वगैरह भी देने पड़ेगा। चलो 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 जल्दी ले लिखा दोस्तों, इनका तो कर दिया सारों का सारा फुल, अब पौधों को पानी आने डाल दूँ। यार ये देख रहे हो पौधों की हालत क्या हो रही है, ये दो पौधे का मुझे डर हो रहा है, ये देखें ये लटक रहे हैं, क्योंकि इनको ना जिस दिन पानी नहीं आया उस दिन पानी मैं दे नहीं पाया था और कल मैंने दिया ना, तो ये ज़्यादा वो नहीं कर पाए सर्वाइव, तो इनको मैं फ़ौरन पानी देता हूँ ताकि ये सर्वाइव कर जाए। और ये देखें ये भी लटका है, ये अल्हम्दुलिल्लाह सेट है, और इनको मैंने पानी दे दिया था आपके सामने, तो वो भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। तो जल्दी से पानी डालूँ और इन लोगों को सबसे पहले डालना है, तो चलें पानी डालते हैं इनको। तो भाई इनका तो पानी कर दिया है, माशाल्लाह कैसे हरे भरे हो गए, खूबसूरत लग रहे हैं दोस्तों। ये आप लोग भी अपने बर्ड्स की तरफ लाजमी रख दिया करें, ताकि देखें बर्ड्स भी बहुत खुश रहते हैं इस चीज़ से और उन्हें एक माहौल मिलता है कि हाँ कि जैसे बोलते हैं ना कि अपना घर जैसा उन्हें लगता है, कि उन्हें एक माहौल मिलने लगता है। आ जाओ भाई, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये अब बिल्कुल सेट हो जाएंगे, क्योंकि पानी वगैरह डाल दिया है। तो दोस्तों अब बात ये आती है कि सरप्राइज क्या आने वाला है, तो भाई का मैं वेट कर रहा हूँ, अभी तक वो नहीं आए, तो अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ थोड़ी सी देर बाद नहा धो के। तो ठीक है दोस्तों, साथ रहिए बस दो मिनट में, बल्कि हम तो ऐसे आए एक सेकेंड में। दोस्तों भाई अभी अभी आया हूँ और यकीन जानो बाहर ऐसी गर्मी हो रही है, मैं काम से चला गया था और आप देख रहे हो मैं ज़रूरी काम से गया था बहुत, और अभी भी मैंने तैयार होके जाना ही है कहीं, और हमारे जो एक दोस्त हैं उसकी तरफ से दावत है, तो बस। और जब मैं आया हूँ तो दोस्तों मुझे सरप्राइज़ मिल गया है, तो ये देखें दोस्तों हमारा ये था वो सरप्राइज़ जो भाई लेकर आए, एक और वाइट मुर्गी आ गई है।
यार मैं समझ नहीं आ रहा हमारे पास कितनी वाइट की मतलब माशाल्लाह से वैरायटी हो गई है। एक दो तीन और चार और ये पांच, माशाल्लाह माशाल्लाह पांच वाइट बच्चे पड़े हुए। बड़ा नहीं है हमारे पास, लेकिन बच्चे पट्टे अभी हैं, जिनमें से दो तो मुर्गे हैं और तीन मुर्गियां हैं। अब मैं आप लोगों को खोल के सामने से दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है, और बाकियों को भी खोल देता हूँ। हमारे पास यार वाइट ही वाइट भरा है। तो दोस्तों ले भाई, खोल लिया हमने मुर्गी अपनी जो है माशाल्लाह से, आप चीज देखें। और इनकी एक और चीज की निशानी होती है दोस्तों असील की, इसके आंखों में जो रेड निशान होते हैं नीचे की तरफ, वो बताता है वाकई में कि चीज क्या है। बाकी ये जो दोनों गंजे बच्चे हैं ना हमारे, बहुत बदतमीज है, देखें आप लड़के से हैं। ये देखिएगा, ये देखें, ये देखें, अड़े अड़े। तो ये बहुत बहुत खतरनाक चीज निकल गई है हमारे पास असील में, ये बहुत खतरनाक है। तो चारों तरफ हमारे व्हाइट ही व्हाइट है, एक दो तीन चार, एक तो मैंने पिंजरे में रखा, ये देखिए फिर लड़ने आ रहा। क्या करूं यार, मैं परेशान हो गया दोस्तों। माशाल्लाह से वाइट की हमारे पास बहुत वैरायटी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सिर्फ एक बड़ा हमने ना इसका असील नल लाना है। भाई तुम खाने पे फोकस करो ना यार, ये मुझे बोलने ही नहीं दे रहा है कुछ दोस्तों। लड़ने पे उमादा आई जो पीले टांग वाला हमारा बच्चा है। अब इसके साथ जो है ना हमने बड़ा नर लाना है दोस्तों, और फिर उसके निकलवाने हैं बच्चे, और इनकी ब्रीडिंग करानी है। माशाल्लाह बहुत प्यारी मादी लगी है मुझे दोस्तों, बहुत खतरनाक है ये। आप लोग कैसी लगी आप लोग लाजमी बताएं कमेंट में। मैं इनको एक साथ बना ही नहीं सकता दोस्तों, ये देखें लड़ते रहते हैं, इनको एक साथ खोल ही नहीं सकता हूँ मैं। और ये जो है ना हमारा पीले वाला है, बड़ा खतरनाक है। ये सही है ना, जो लड़ रहा उसे उठा लो दोस्तों। ले भाई, जो दोनों लड़ रहे हैं ना, एक ये पीले वाला और ये हमारी नई वाली। तो ये देखें दौड़े, बाद में तुम्हें मौका दूंगा भाई असील में। दोस्तों ये बहुत परेशानी होती है मेरे साथ, मुझे इनको अलग अलग खोलना पड़ता है, अलग अलग खिलाना पड़ता है। जो गंजा मुर्गा है ना हमारा, ये बहुत हैवी खतरनाक है। इसको आप देखें, ये इतना खतरनाक है, हर मुर्गे मुर्गी को लड़ता है मारता है। इसको देखें अभी है क्या ये। लेकिन मैं एक बात बता दूं दोस्तों, यही माशाल्लाह से चीज है असली। तो खैर दोस्तों, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ नीचे। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों को जो हमारी नई मेहमान है वो कैसी लगी, अच्छी है या नहीं। माशाल्लाह देखें दोस्तों, इसकी आंखें भी दिखाऊं आपको, ये देखें के नीचे लाली, ये होती है मेन चीज। चलो हटो, ये लड़ता रहता गंजा, देखा फिर उसके पीछे पड़ गया, उसको मारे गए। तो माशाल्लाह से इसकी टांगे देखें, इसकी जिन्हें हम शौकीनों की दुकान में नल्लियां कहते हैं, वाइट हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह गर्मी भी बहुत है भाई, मेरे आप हालत देख रहे हैं पसीने दोस्तों, बस निकलना मुझे काम से। तो मैंने बोला ये सरप्राइज आपको दिखा दूं लाजमी, कि आज हमारे पास आ गए हैं हीरा ही हीरा। हमारे पास इतने हीरा हो चुके हैं दोस्तों कि मैं क्या बताऊं, सिर्फ हीरा ही हीरा बल्ले जा रहे हैं, हीरा ही हीरा। तो आज का हमारा जो था वो सरप्राइज होता हीरा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, और मेरे चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। चलो सबसे पहले इसको बंद करना था। चलो भाई ये बंद हो गया, आप आराम से बंद हो जाएंगे।